दोस्तों ट्रांसपोर्ट जगत में ड्राइवरों को क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह के रास्तों से गुजरना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। कभी पहाड़ों में, कभी बर्फ में, और उनकी ड्राइविंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है ऐसे मौसम में और ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन रोड पर ड्राइविंग करने के अलावा भी कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपने काम में निपुण होना पड़ता है। ऐसे ही ड्राइवरों को लेकर आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन ड्राइवर्स की जो रोड पर सफर तो नहीं करते लेकिन ड्राइविंग में निपुण होना बहुत जरूरी है। मशीनरी को भी ऑपरेट करना पड़ता है और ड्राइविंग भी करनी पड़ती है। जी हाँ, जेसीबी हो, कंस्ट्रक्शन की मशीन हो या फिर एक्सकेवेटर, ऐसी कुछ मशीनरी भी हैं जिन्हें बहुत ऊंचाई से ऑपरेट करना पड़ता है और साथ साथ ड्राइव भी करना पड़ता है। क्रेन की बात कर ले तब भी, जेसीबी की बात कर ले तब, और एक्सकेवेटर, ऐसे एक्सकेवेटर जो कि मैग्नेट वाले होते हैं, आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ड्राइविंग की जिसमें लगभग 15 फीट की ऊंचाई से ड्राइवर ड्राइव करता है और मशीन को ऑपरेट करता है। जी हाँ, गाजियाबाद की स्टील फैक्ट्री से ये वीडियो हमें भेजी है हमारे एक दर्शक ने। देखिए किस तरह से इस ड्राइवर को देख कर वो भी दंग रह गए कि कैसे इतनी ऊंचाई से इस मशीन को ऑपरेट किया जा रहा है, ड्राइव किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं मैग्नेट से कैसे लोड होती है लोहे की प्लेट, और हमारा उस्ताद जी जो है 15 फुट हाइट पर बैठ के ड्राइविंग कर रहा है। यह देखिए, इसका ड्राइवर जो है कम से कम 15 फुट हाइट पर बैठ कर जो है ड्राइविंग कर रहा है। इस मशीन में दो इंजन हैं, एक इंजन है जो स्पेशल जिसपे बिजली उत्पन्न होती है और पे जनरेटर चलता है, तो चुंबक से जो है यह माल लोड किया जाता है। दूसरी तरफ जो है गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए इसमें इंजन लगा है। हम दूसरी साइड में देखें तो यह इसका इंजन है, और इस गाड़ी में जो है चार टायर हैं। इस समय दोस्तों हमारी गाड़ी हो चुकी है लोड, मैग्नेट से जो है लोहे की प्लेट रख दी गई है। तो दोस्तों आपने देखा ये इलेक्ट्रो मैग्नेट मशीन है जिनको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर कहां पर चढ़ा हुआ है। वहां से ऑपरेट करना और ड्राइव करना कितना मुश्किल है। चार पहिए लगे हुए हैं लेकिन बेहद ही ऊंची है। वहीं से बैठे बैठे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट्स को उठाकर लोड कर दिया जाता है। वाकई में इन चीजों को ऑपरेट करना आसान नहीं है, और ऐसे ड्राइवर्स को सलाम जो इस तरह के काम करते हैं। सोचिए इतनी ऊंचाई पर रिस्क भी तो होता है, इतना रिस्क उठाकर ये काम किया जाता है। दोस्तों नॉर्मल ट्रक, बस, कार की अगर लाइसेंस की बात करें तो बड़ी आसानी से LMV का या HMV का लाइसेंस लेकर ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की एक्सकेवेटर और मशीन को ऑपरेट करने के लिए खास तरह का लाइसेंस चाहिए होता है, एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसकी सर्टिफिकेशन के बाद ही आप इस तरह की मशीन्स को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सकेवेटर की बात करें, जेसीबी की बात करें, क्रेन की बात करें, इनके लिए आपको एक स्पेशल कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए होता है जिसे LDRXCV कहा जाता है। वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दंग रह गए होंगे। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।